हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल द लर्निंग ईसन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 23rd of June 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग ने जो कल न्यूज़ डिस्कस की थी उनका एक एमसीक्यू पैटर्न में हम लोग क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज यानी कि 23rd of June 2020 की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अ हाई पावर्ड Committee of top executives of technology companies like Google, Microsoft and Tech Mahindra have been formed by Niti Aayog. The committee is formed under the leadership of whom? एक कमेटी बनी थी, नीति आयोग ने बनाई थी, हाई पावर्ड कमेटी थी। टॉप एग्जीक्यूटिव जो हैं टेक्नोलॉजीज़ के, जैसे कि टेक्नोलॉजी कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव हैं, जैसे कि गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, तो इसकी एक कमेटी बनाई थी नीति आयोग ने, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी को हेड कौन कर रहा है? इस कमेटी को हेड कर रहे हैं नीति आयोग के CEO, जिनका नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इस कमेटी को हेड कर रहे हैं और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं लीडर, जो कंट्री के लीडर होते हैं, जो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं वो चेयरमैन हैं नीति आयोग के, और CEO जो है इसके अमिताभ कांत हैं, और अमिताभ कांत ही इस कमेटी को हेड भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं बाकी ऑप्शंस। ये बाकी ऑप्शंस भी मैंने इसी तरीके से दिए हैं कि ये लोग भी हाल ही में किसी न किसी कमेटी के हेड रहे हैं। जैसे कि बात की जाए अनिल दवे की, तो एक कमेटी बनी थी, सेबी ने बनाई थी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की एक कमेटी थी, जिस टू प्रपोज मेथड ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफॉल्टर्स एंड लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स इन अ 424 पेज एग्जॉस्टिव रिपोर्ट। एक 424 पेज की एग्जॉस्टिव रिपोर्ट में ये था जो भी प्रॉफिट्स डिफॉल्टर्स ने कमाए और इससे जो भी लॉस हुआ इन्वेस्टर्स को, ये सेबी की कमेटी थी। तो जो ये कमेटी थी उसको किसने हेड किया? इसको हेड किया है अनिल दवे ने। राजेश भूषण की भी एक कमेटी थी, टू रिव्यू ओनरशिप गाइडलाइंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट बैंक। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, प्राइवेट बैंक का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और ओनरशिप गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनी थी, जिसके हेड थे राजेश भूषण। एनके सिंह एक कमेटी के हेड थे, फाइनेंस का, ये क्या थी, फाइनेंस कमीशन की कमेटी थी ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप। फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप पे एक कमेटी बनाई थी फाइनेंस कमीशन ने, और ये कमेटी जिन्होंने ऐड किया उनका नाम है एनके सिंह नाम है उनका। एक कमेटी हाल ही में हेड हुई थी कि एज ऑफ मदरहुड एंड रिलेटेड मैटर्स देयर टू, एज ऑफ मदरहुड और इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं इस पर कमेटी बनी थी, और इस कमेटी को जिन्होंने हेड किया था उनका नाम था मिस जया जेटली। ये भी रिसेंट की कमेटी है, इस वजह से मैंने आपको बताया। अ बुक टाइटल्ड द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिन ट्रंप, एक बुक ऑथर की है इन्होंने, द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिन ट्रंप हैज बीन ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। और ये बुक ऑथर किसने की है, किसने इस बुक को लिखा है? तो इस बुक को लिखा है मैरी जॉर्डन ने। मैरी जॉर्डन ने हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिन ट्रंप। देखिए बाकी ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि ओमिट स्कोबी और कैरोलिन ड्यूरन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेघन एंड द मीटिंग ऑफ मॉडर्न रॉयल फैमिली। फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेघन एंड द मीटिंग ऑफ रॉयल मॉडर्न फैमिली, ये किसने लिखी थी? ये मिलके लिखी थी, कलेक्टिवली लिखी थी ये, ओमिट स्कोबी और कैरोलिन ड्यूरन ने ऑथर की थी, किया था एक बुक को। एक बुक हाल ही में रस्किन बॉन्च ने लिखी थी, उसका नाम था हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये लिखी थी रस्किन बॉन्च ने। एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, उसका नाम था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक, ये शॉर्ट स्टोरी लिखी थी कृतिका पांडे ने, और इसके लिए कृतिका पांडे को शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ मिला था कॉमनवेल्थ की तरफ से, और ये जो है किसने लिखी थी, कृतिका पांडे ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है ये, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ, इनका नाम था कृतिका पांडे, इनको कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला है किस लिए, इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्जिम बैंक विल बी प्रोवाइडिंग अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ US$ 20.10 million अबाउट 153.27 crore फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अच्छा, इस कंट्री में हॉस्पिटल बनाने के लिए एक्जिम बैंक ने यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। लाइन ऑफ क्रेडिट यानी क्या होता है, जब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई वो किसी कंट्री को गवर्नमेंट की तरफ से लोन प्रोवाइड करती है तो उसको लाइन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। तो ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है कितने का, US$20.10 million यानी कि अबाउट 153.27 crore
करोड़ ये प्रोवाइड किया है एक्जिम बैंक ने, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने इस कंट्री को, जिससे कि यहाँ के जो हॉस्पिटल है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके। तो ये कंट्री कौन सी है? ये कंट्री है निकारागुआ। इस कंट्री का नाम है निकारागुआ। बात की जाए निकारागुआ की, इसका कैपिटल होता है मानागुआ और करेंसी होती है कॉर्डोबा, करेंसी होती है कॉर्डोबा। बुरुंडी की बात करें तो हाल ही में बुरुंडी के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है पियरे निक्यूरुंजिया, के पियरे निक्यूरुंजिया हैं। ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे, अब है नहीं क्योंकि ही पास रवे, इनका निधन हो गया। ये प्रेसिडेंट थे बुरुंडी के और इनका हाल ही में निधन हो गया। ग्लोबल वैक्सीन समिट ये किसने इस बार होस्ट की थी? ये होस्ट की थी यूनाइटेड किंगडम ने, बोरिस जॉनसन ने ग्लोबल वैक्सीन समिट होस्ट की थी, यानी कि यूके ने इसको होस्ट किया था। मालदीव की बात करें तो इसका कैपिटल होता है माले और करेंसी होती है इसकी रुफिया, करेंसी होती है रुफिया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कोलैबोरेटेड विद रिनाउंड PSU पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड टू स्टार्ट स्मार्ट क्लास इन द स्टेट। अच्छा, स्टेट में स्मार्ट क्लास स्टार्ट करने के लिए इस स्टेट ने क्या किया था? इन्होंने क्या कहते हैं, कोलैबोरेट किया था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ, जिससे कि स्मार्ट क्लासेस बनाई जा सके स्टेट में। तो ये कौन सा स्टेट है? ये स्टेट है राजस्थान, ये स्टेट है राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया था, मोक्ष कलश यानी कि एक फ्री बस सर्विस लॉन्च की थी, जो जिससे कि लोग एशेज, जिनके जो किथ एंड किन्स हैं, जो नियर एंड डियर वंस हैं, जिनकी डेथ हो गई है और उनको एशेज इमर्जन यानी कि अस्थियों विसर्जन के लिए जाना है, तो उनके लिए एक फ्री बस सर्विस उत्तराखंड तक के लिए प्रोवाइड की थी राजस्थान गवर्नमेंट ने, जिसका नाम था मोक्ष कलश। इस फ्री बस सर्विस का नाम था मोक्ष कलश। हाल ही में राजस्थान को फर्स्ट रैंक पे आया था राजस्थान स्टेट, किस लिए? COVID-19 मैनेजमेंट इंडेक्स में राजस्थान की जो रैंक थी वो फर्स्ट रही थी, यानी कि राजस्थान ने टॉप किया था इसमें। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 स्टेट्स का एनालिसिस किया था, किस चीज़ का? COVID-19 मैनेजमेंट इंडेक्स का, जिसमें टॉप किया था राजस्थान ने। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। बात की जाए पंजाब की तो घर घर निगरानी ऐप एक पंजाब में लॉन्च हुआ था, पंजाब के CM ने इसको लॉन्च किया था, इनका नाम है अमरिंदर सिंह। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल लॉन्च किया था। ये क्या है कि जैसे जो नॉन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं वो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में अब ऑपरेट कर सकेंगी। काउ स्लॉटर एक्ट भी इन्होंने अभी अमेंड किया है। और बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 12 जून को, जिस दिन हम मनाते हैं डे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और इस दिन क्या किया था, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है ये। और ये इस दिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की थी। स्टार्टअप फंड ये भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। और इसमें क्या है, यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं स्टेट के लिए, के उनके लिए इस फंड को लॉन्च किया गया है। और इसके लिए इन्होंने SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और बाकी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। बात की जाए उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में क्या किया है, एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना बनाई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी पथ उत्थान योजना। मुख्यमंत्री शहरी पथ उत्थान योजना, ये एक योजना बनाई थी मध्य प्रदेश ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। थैंक मॉम नाम की एक प्लांटेशन ड्राइव इन्होंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाई है। दिव्यांग जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस देने की बात भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। चरण पादुका कैंपेन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट रहा है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं यहाँ के लालजी टंडन। विच मिनिस्ट्री हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI इन ऑर्डर टू एंगेज SIDBI एज इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर। ये मैंने स्कीम कल पूरी आपको पढ़ाई थी, पूरी मैंने डिस्कस की थी। तो इस स्कीम के जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में SIDBI को एंगेज करने के लिए MOU साइन किया है इस मिनिस्ट्री ने, ये जो भी मिनिस्ट्री है इसने साइन किया है
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक MOU, और वो मिनिस्ट्री कौन सी है, वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और ये जो योजना लॉन्च की है ये भी इस मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च की, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, तो इसके मिनिस्टर कौन है, इसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ सिविल एविएशन भी हरदीप सिंह पुरी हैं। और ये हैं राज्यसभा MP फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश से राज्यसभा MP भी हैं। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो ये हैं थावरचंद गहलोत हैं मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट और एंड एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं एंड एम्पावरमेंट। और ये क्या हैं, ये हैं राज्यसभा MP फ्रॉम मध्य प्रदेश, ये क्या है, राज्यसभा MP हैं मध्य प्रदेश से। और हाल ही में थावरचंद गहलोत ने फर्स्ट वर्चुअल कैंपेन लॉन्च की थी, जिसमें कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था किस चीज़ का, जैसे कि कोई असिस्टिव आइटम्स हो गए या कोई भी एड हो गई, कोई भी मदद हो गई, इन सब चीज़ों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और ये जो वर्चुअल कैंपेन है पहली, ये लॉन्च किसने की थी, ये थावरचंद गहलोत ने ही इसको लॉन्च किया था। बात की जाए एक कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके जो डिसेबल्ड हैं उनको। और ये किसने लॉन्च किया, ये भी थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया, लेकिन ये जो कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स हैं ये थावरचंद गहलोत ने अर्जुन मुंडा के साथ लॉन्च किया। और अर्जुन मुंडा कौन है, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड। अर्जुन मुंडा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है, अमित शाह हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है गांधीनगर गुजरात। बात की जाए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मैंने बताया था अभी इन दोनों ने मिलकर कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स जो लॉन्च किए थे, और मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है अर्जुन मुंडा, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड। क्वालिटी NZ क्यूलिनरी कप 2020 हैज बीन वन बाय होम, ये बेसिकली शेफ्स का था कॉम्पिटिशन, और ये NZ मीन्स ये न्यूजीलैंड की तरफ से था। और ये क्या, इसमें क्या है, इसमें इसको किसने जीता है, इस कप को जीता किसने, इसके विनर कौन रहे हैं, तो इसके विनर रहे हैं शेफ अंगद सिंह राणा। इसके विनर कौन रहे हैं, शेफ अंगद सिंह राणा। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे इज़ ऑब्जर्व एनुअली ऑन June 21, इट्स थीम इज 21 June को हम मनाते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे। और इस दिन की जो थीम रही वो थी हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज, हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 21 एवरी ईयर, 21 June को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। और इस दिन की जो थीम रही इस बार की वो थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। थीम इम्पॉर्टेंट बनती है, थीम क्या है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है योगा डे, ये किया जा रहा है 2015 से योगा डे को हम मनाते चले आ रहे हैं। In order to offer industry first online auto retail financing, its end-to-end online automatic retail platform Click to Buy to the customer, the Hyundai Motor India Limited partnered with which of the bank? Click to Buy जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको किसने जो है किसने लॉन्च किया है, किसने पार्टनरशिप के साथ लॉन्च किया है, मतलब कि इसको बेसिकली Hyundai Motor India Limited ने इसको लॉन्च किया है, किसके साथ पार्टनरशिप की है इसके लिए इसने, तो इसके लिए पार्टनरशिप की है इसने HDFC बैंक के साथ Hyundai ने पार्टनरशिप करके क्लिक टू बाय को लॉन्च किया है। ये पहला इंडस्ट्री फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म रहा। बात की जाए HDFC बैंक की, तो पहले तो इन्होंने पार्टनरशिप की इसलिए Hyundai के साथ, दूसरा HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स लॉन्च किया, समर ट्रीट्स नाम है, समर ट्रीट्स ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया था। HDFC बैंक ने और क्या काम किया, हम हार नहीं मानेंगे एक सॉन्ग है COVID-19 के बीच में, मतलब COVID-19 चल रहा है इसके लिए इन्होंने ये सॉन्ग लॉन्च किया था। ICICI बैंक की बात की जाए तो इसने हाल ही में इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया था, ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश हाल ही में लॉन्च किया था। और एक ICICI हाउसिंग फाइनेंस ने सरल लॉन्च किया था, हाल ही में सरल लॉन्च किया है, लेकिन यह लॉन्च किसने किया है, ICICI हाउसिंग फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो हाल ही में ऑनलाइन फैसिलिटी, यानी कि अगर करंट अकाउंट ओपन करना है तो इसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी दी है इस बैंक ने, और वो बैंक कौन सा है, इंडसइंड बैंक है। एक्सिस बैंक ने हाल ही में स्टेक अक्वायर किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, यानी कि 29% स्टेक एक्वायर किया है एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। और येस बैंक ने डिश टीवी का स्टेक हाल ही में किसने, येस बैंक ने डिश टीवी का स्टेक एक्वायर किया था हाल ही में।
A loan agreement of 200 million euros has been signed by which other country with India to boost India's COVID-19 response. Basically, India के COVID-19 से लड़ने के लिए ये जो है दिया था, ये 200 million euros का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया ने, और किस दूसरी कंट्री ने, तो इंडिया ने और फ्रांस ने मिलकर ये 200 million euros का लोन एग्रीमेंट साइन किया है. फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की इंडिया के साथ कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? इंडिया और फ्रांस की डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं शक्ति, गरुण, वरुण. शक्ति, गरुण और वरुण जो होती है वो इंडिया और फ्रांस की डिफेंस एक्सरसाइज होती है. यूके की बात की जाए तो इंडिया और यूके की डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं अजय वॉरियर और इंद्रधनुष. अजय वॉरियर और इंद्रधनुष इंडिया और यूके की डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं. जापान की बात करें तो इंडिया और जापान की डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी है? एक तो है धर्म गार्जियन, एक है शिन्यो मैत्री और एक है सहयोग काइजन. सहयोग काइजन, ये तीन एक्सरसाइज हैं इंडिया और जापान की. और मालाबार जो है वो इंडिया, यूएसए और जापान की डिफेंस एक्सरसाइज है. यूएसए की बात करें तो यूएसए की जो डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया के साथ वो है टाइगर ट्रम्फ, वज्र प्रहार, कोप इंडिया. टाइगर ट्रम्प, वज प्रहार, कोप इंडिया और युद्धाभ्यास, ये है इंडिया और यूएसए की डिफेंस एक्सरसाइज है. और मालाबार इंडिया, यूएसए और जापान तीनों की मिलकर डिफेंस एक्सरसाइज है. द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन हैव अनाउंस्ड विच इंडियन टेनिस प्लेयर एज मेंबर ऑफ ITF वर्ल्ड टेनिस टूर मेंस पैनल रिप्रेजेंटिंग एशिया ओशियनिक जोन विद T10 ऑफ चाइनीज टेपाई. T10 के साथ मिलकर किसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, किस इंडियन टेनिस प्लेयर को, इंडियन टेनिस प्लेयर को मेंबर ऑफ द ITF वर्ल्ड टेनिस टूर मेंस पैनल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट किया गया? तो वो इंडियन टेनिस प्लेयर है निक्की कल्याणदा पूंछा. निक्की कल्याणदा पूंछा, ऐसे पूछा जा सकता है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखेगा ये टेनिस से रिलेटेड है. इनका नाम है निक्की कल्याणदा पूंछा. विच फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन के रूप में इस RBI गवर्नर को अपॉइंट किया गया है. और ये कौन है? ये है RBI गवर्नर, इनका नाम है उर्जित पटेल. उर्जित पटेल, इनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी. रघुराम राजन को जो COVID-19 की वजह से इकोनॉमी में दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए एक कमेटी बनाई थी IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने, और उसके लिए इन्होंने इंडिया की तरफ से इंडिया से रघुराम राजन को उस कमेटी में इंक्लूड किया था. सी रंगा राजन की बात करी जाए तो अभी हाल ही में तमिलनाडु ने एक COVID-19 की कमेटी बनाई थी. तमिलनाडु स्टेट ने इस कमेटी को बनाया था और उस कमेटी को RBI गवर्नर सी रंगा राजन ने हेड किया था. 25th edition of National Reading Day has been observed by India on which of the following days to honor Kerala's father of library movement Puthuvail Narayan Panikkar. ये याद रखिएगा कि किनकी याद में मनाया जाता है. अगर क्वेश्चंस वो ज़रा सा भी डीप करते हैं डे से रिलेटेड तो सिर्फ इतना ही पूछ सकते हैं कि ये डे किसको रिमेम्बर करने के लिए, किसके ऑनर में मनाया गया है. तो ये डे मनाया गया है केरला फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट, जिनका नाम है पुथुवैल नारायणा पानिकर, और ये इन्हीं के ऑनर में ये दिन मनाया जाता है. दिन का नाम है नेशनल रीडिंग डे. ये 25th एडिशन रहा. मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 19th ऑफ जून को ये डे मनाया जाता है, नेशनल रीडिंग डे. 18th ऑफ जून को कौन कौन से दिन मनाते हैं हम? 18th ऑफ जून को मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे, गैस्ट्रोनॉमी डे और मास्क डे मनाया जाता है 18th ऑफ जून को. लेकिन क्या ये मास्क डे सारे ही स्टेट्स ने नेशनल मास्क डे था? तो नहीं, ये जो मास्क डे था ये बनाया था कर्नाटका ने. कर्नाटका स्टेट ने मास्क डे मनाया था 18th ऑफ जून को. क्यों मनाया गया था? जिससे कि वो लोगों को जैसे COVID-19 के प्रिवेंशन के लिए, जैसे कि बताया जाता है कि टाइम टू टाइम हैंड वॉश करें, मास्क का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तो इन सब के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए मास्क डे बनाया था. पर ये पूछा जा सकता है कि मास्क डे किस स्टेट ने बनाया? तो ये कर्नाटका ने ये डे बनाया. कर्नाटका ने मास्क डे सेलिब्रेट किया था 18th ऑफ जून को. और वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे और गैस्ट्रोनॉमी डे भी हम 18th जून को मनाते हैं. 20th ऑफ जून को मनाते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, और इसकी थीम रही थी एवरी एक्शन काउंट्स. वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हम मनाते हैं 20 जून को और इसकी थीम रही एवरी एक्शन काउंट्स. 21st ऑफ जून को मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे, जिसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम. और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे भी हम मनाते हैं 21st ऑफ जून को. चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुई उनको डिस्कस करते हैं.
Coal India Limited has entered into a partnership with Atal Innovation Mission to support Atal Innovation Mission's key innovation एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव अक्रॉस इंडिया, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन के जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स हैं, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और जो इनोवेशन के लिए इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ पार्टनरशिप की है. कोल इंडिया लिमिटेड ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ इसके लिए पार्टनरशिप की है. बात की जाए कोल इंडिया लिमिटेड की, हेडक्वार्टर इसका होता है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके प्रमोद अग्रवाल. चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रमोद अग्रवाल. वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो इन्होंने 3 स्कीम्स लॉन्च की थी जिनका नाम है मातृ समृष्टि, प्रोचेष्टा और स्नेहरा पुरुष. वेस्ट बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़. द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड has valued at 11.50 trillion. With this, it has become the first Indian company to reach a market capitalization of 11 trillion. 11 trillion market capitalization reach तक पहुँचने वाली जो पहली इंडियन कंपनी है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी इस टाइम की करंट वैल्यू जो है वो है 11.50 trillion. यस बैंक लिमिटेड हैज जॉइंटली लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड कॉल्ड स्वस्थ कार्ड विद डेली बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान. यानी कि येस बैंक ने अफोर्ड प्लान बेसिकली एक फिनटेक स्टार्टअप है डेली का, डेली बेस्ड है, यानी कि हेडक्वार्टर डेली में है. तो येस बैंक ने अफोर्ड प्लान के साथ जॉइंटली मिलकर लॉन्च किया है स्वास्थ्य कार्ड. स्वास्थ्य कार्ड क्या है? जैसे कि नाम से हम बता सकते हैं कि एक हेल्थ केयर कार्ड है. यस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर रहता है मुंबई महाराष्ट्र में. सीईओ हैं इसके एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार और इसकी जो टैगलाइन थी वो है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज. यस बैंक ने, जैसे कि मैंने बहाली में बताया कि यस बैंक ने अभी डिश टीवी में अपना स्टेक एक्वायर किया. डिश टीवी में यस बैंक ने अपना स्टेक एक्वायर किया है. अ कैंपेन कॉल्ड नमस्ते योगा has been launched by the Ministry of Culture from 19th June to 21st June 2020. एक कैंपेन है इसका नाम है नमस्ते योगा और ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कब से? 19 जून से लेकर 21st जून 2020 तक. अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तो ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ टूरिज्म है इनके पास और इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल इनका नाम है और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है दामोह मध्य प्रदेश में इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है. निर्वाचन क्षेत्र है इनका दामोह मध्य प्रदेश. बुक टाइटल्ड लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया हैज़ बीन ऑथर्ड बाय लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया. ये एक बुक है. ये किसने लिखी है? ये बुक लिखी है अमीश त्रिपाठी ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया. ये लिखी है अमीश त्रिपाठी ने. और हाल ही में एक और इंडियन राइटर हैं जिनका नाम है सुधा मूर्ति. उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर और हम लोगों ने डिस्कस किया था. रस्किन बॉन्च ने एक हाल ही में बुक लिखी है, उसका क्या नाम है? उस बुक का नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लेन्स. ये कुछ इंडियन राइटर हैं जिन्होंने कोई ना कोई बुक ऑथर की है. वर्ल्ड म्यूजिक डे इज़ ऑब्जर्व ऑन जून 21 को हमने योगा डे के साथ साथ वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया था. वर्ल्ड म्यूजिक डे भी हम लोगों का मनाया था 21st ऑफ जून को मनाया था. द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया हैज़ ज्वाइन हैंड्स विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली इन ऑर्डर टू सपोर्ट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट इन अचीविंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अचीव करने के लिए स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने क्या करा है? इनको सपोर्ट करने के लिए, यानी कि स्टेट्स गवर्नमेंट को और नेशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए जिससे कि वो अचीव कर सकें फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया ने ज्वाइंट हैंड्स किया है. किसके साथ इन्होंने हाथ मिलाया, यानी कि किसके साथ ज्वाइन किया इन्होंने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली के साथ इन्होंने
ज्वाइन किया है किस चीज़ में, जिससे कि ये इंडिया को सपोर्ट कर सकें, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट कर सकें इन अचीविंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात कीजिए, इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। राजेंद्र गोयल, लेजेंडरी इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर क्रिकेटर, हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 77। राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हो गया। ये क्रिकेटर थे, यानी कि एक लेजेंडरी इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, ये क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, एंड ही वॉज 77 ईयर ओल्ड। यूनियन स्टेट मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मनसुख मंडाविया इनॉग्रेटेड वन ऑफ इट्स काइंड लार्जेस्ट एंड फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। द एक्सपो हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाई फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की। बात की जाए, यह जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज, इनके पास केमिकल एंड फर्टिलाइजर का, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020, यानी कि इंडिया का पहला और सबसे बड़ा वर्चुअल हेल्थ केयर हाइजीन एक्सपो 2020 इन्होंने लॉन्च किया है। और ये एक्सपो किसने ऑर्गेनाइज किया था, ये एक्सपो ऑर्गेनाइज किया था फिक्की ने, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया था। फिक्की की बात करें तो इसके फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें, इसका क्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में, और इसके जो इसकी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है संगीता रेड्डी, और जो इसकी फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है जुहान जहनाब फूकान करके नाम है इनका। और ये हाल ही में जो इसकी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की की, उसकी हेड बनाई गई, इनका नाम है जहनाब फूकान। मैं कल फिर इसको रिवाइज़ करवा दूंगी एमसीक्यू में, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैंने शायद नेम का गलत प्रोनाउंसिएशन किया हो तो आप तक गलत इन्फॉर्मेशन जाए, तो मैं कल जब एमसीक्यू पैटर्न में इसको डिस्कस करूंगी तो एक बार सही से प्रॉपर इनका नाम डिस्कस करवा दूंगी सेशन में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अब देखते हैं मनसुख एल मंडाविया के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ शिपिंग भी इनके पास है। ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया। ये है यूनियन स्टेट मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, और ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ शिपिंग भी इन्हीं के पास है, और ये है, इनका नाम है मनसुख एल मंडाविया, और ये राज्यसभा MP हैं गुजरात से। क्या है, राज्यसभा MP रहे हैं गुजरात से। KPCC जनरल सेक्रेटरी एंड INTUC नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के सुरेंद्रन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 64। बेसिकली ये पॉलिटिशियन थे और इनका नाम है के सुरेंद्रन, और इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये 64 साल के थे, 64 ईयर्स के थे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इम्पॉर्टेंट है ये, गरीब कल्याण रोजगार अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम विलेज तहलीहार ब्लॉक बेलदौर डिस्ट्रिक्ट खागारिया बिहार। बेसिकली बिहार से इन्होंने लॉन्च किया है इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। बिहार से नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया है। द आउटले ऑफ द, और इस कैंपेन का कितना आउटले है, ₹50,000 करोड़ है इसका आउटले। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दिस कैंपेन, और ये कैंपेन क्यों लॉन्च की गई, दिस कैंपेन इज लॉन्च टू एम्पावर एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन एरियाज विलेजेस विटनेसिंग लार्ज नंबर ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स अफेक्टेड बाय डिवास्टेटिंग COVID-19। उन एरियाज में जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स जो बाहर काम करते थे वो वापस आए हैं, उन एरियाज में के लोगों को एम्पावर करने के लिए और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने, उनका जीवन यापन करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड करने के लिए ऐसे एरियाज़ में COVID-19 के बीच इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। तो इम्पॉर्टेंट क्या बनता है, ये कैंपेन पहले तो लॉन्च की नरे, इसका नाम क्या है, कैंपेन का नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये कैंपेन लॉन्च किसने की, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कहाँ से, बिहार से लॉन्च की गई। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है जो इनके इम्प्लीमेंटेशन पर काम करेगी वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखते हैं ये मिनिस्ट्री है किसके पास, ये है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है,
मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चरल, फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, और इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है मोरेना मध्य प्रदेश, नहीं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाँ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यही है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मोरेना मध्य प्रदेश, नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है मोरेना मध्य प्रदेश। India, which has been elected as non-permanent member of the Security Council, will serve as the president of powerful 15-nation UN body for the month of August 2021 के लिए इंडिया को क्या कर दिया गया है, ये अभी हाल ही में तो जैसे कि हम लोग को पता है इनको non-permanent, इंडिया को non-permanent member के रूप में अपॉइंट किया गया था, UN Security Council के non-permanent member के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब इसको इंडिया को क्या कर दिया गया है, भारत को हमारे इसको एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021 के लिए इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। और ये तो हम जानते ही हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में भी इंडिया को अपॉइंट किया गया है हाल ही में। यूको बैंक हैज एंटर्ड इंटू अ पार्टनरशिप विद 4 इंश्योरेंस कंपनीज, नेमली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड रैली गेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ एंड अलाइट इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि टू ऑफर वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फॉर इट्स कस्टमर। यूको बैंक ने क्या किया है कि वो अपने कस्टमर को इंश्योरेंस फैसिलिटीज देने के लिए उन्होंने 4 इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। वो 4 इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी हैं, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रैली गेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। ये 4 कंपनीज के साथ यूको बैंक ने क्या किया है, पार्टनरशिप की है, जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को क्या कर सके, इंश्योरेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सके। बात की जाए यूको बैंक एंड की यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूको बैंक की हेडक्वार्टर होता है इसका कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, और अतुल कुमार गोयल ने इसके MD एंड CEO। इंडियन इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर एंड नोबेल लॉरेट अमर्त्य कुमार सेन हैज़ वन 2020 पीस प्राइज बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर हिज डिकेड्स लॉन्ग वर्क ऑन क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस। यानी कि क्या हुआ है, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं ये, फिलोसोफर हैं ये और नोबेल लॉरेट भी हैं, इनका नाम है अमर्त्य सेन। इनको हाल ही में एक अभी अवार्ड मिला है, एक प्राइज़ मिला है जिसका नाम है 2020 पीस प्राइज, और ये किसने दिया है, बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड। जर्मन बुक ट्रेड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने इस प्राइज को दिया है, और ये किसके लिए दिया है, जो इनका एक बहुत लंबे समय से वर्क चला था क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस पे, उसके लिए इनको प्राइज़ मिला है, क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस पे इनको ये प्राइज़ मिला है। जर्मनी की बात करें तो कैपिटल होता है बर्लिन और करेंसी होती है यूरो। रिटायर्ड मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लहल अ वीर चक्र अवार्डी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 97। ये थे रिटायर्ड मेजर जनरल, इनका नाम है लक्ष्मण सिंह लहल, और ये वीर चक्र अवार्ड भी इनको मिल चुका है, इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये 97 यानी कि 97 ईयर्स ओल्ड हैं थे। द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज IFTAS होली ओन सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट्स तवर्ण रवि शंकर, इनको हम टी रवि शंकर के नाम से भी जानते हैं, एज द चेयरमैन एंड डॉक्टर एन राजेंद्रन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी कि इन द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज IFTAS, जो कि होली ओन सब्सिडरी है किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसने क्या किया है, टी रवि शंकर यानी कि तवर्ण रवि शंकर यानी कि टी रवि शंकर को अपने चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है, और एन राजेंद्रन को एज CEO अपॉइंट किया है। किसके एन राजेंद्रन हो गए अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ IFTAS, और टी रवि शंकर हो गए चेयरमैन ऑफ IFTAS। और ये IFTAS क्या है, द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज IFTAS, और ये RBI की होली ओन सब्सिडरी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होली ओन सब्सिडरी है, और इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई महाराष्ट्र में। नटराजन चंद्रशेखरन
Sek Ran has been reappointed as the part-time non-official director on RBI's Central Board. Reserve Bank of India के Central Board के non-official, part-time non-official director के रूप में Natarajan Chandrasekaran को appoint किया गया है, re-nominate किया गया है Natarajan Chandrasekaran को as part-time non-official director, part-time non-official director of RBI यानी कि Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड में. इंडिया हैज़ अटेंडेड द 32nd स्पेशल यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ईएजी प्लेनेटरी मीटिंग 2020 अंडर द एजिस ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या होती है, हमने इसे यहाँ पढ़ा. अभी पहले आपको न्यूज़ बताते, फिर मैं आपको बता दी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है. इंडिया ने हाल ही में 32nd स्पेशल यूरेशियन ग्रुप में जो को जो है अटेंड किया था. ये क्या है, एक मीटिंग हुई थी 32nd स्पेशल यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करने के लिए, कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म प्लेनरी मीटिंग 2020. इनकी जो मीटिंग हुई थी उसको इंडिया ने अभी हाल ही में अटेंड किया था. और ये किसके अंडर हुई थी, अंडर द एजिस ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंडर हुआ था. मनी लॉन्ड्रिंग की जिसमें बात कही गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट नहीं किया है, जो लोग ब्लैक मनी को सपोर्ट करते हैं या काला धन जिनके पास रहता है, ब्लैक मनी जिनके पास होती है, वो क्या करते हैं, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो जो इस ब्लैक मनी का कन्वर्जन वाइट मनी में होता है उसको हम लोग कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. और इस मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट लड़ने के लिए जो मीटिंग थी और टेररिज्म फाइनेंस के लिए जो मीटिंग थी, प्लीनरी मीटिंग थी 2020, ये 32nd एडिशन था इसका, यानी कि इसको हम कहेंगे 32nd स्पेशल यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी कि कॉम्बैट करने के लिए टेररिज्म, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से भी कॉम्बैट करने के लिए ये जी प्लीनरी मीटिंग हुई थी 2020 जिसको अटेंड किया था इंडिया ने. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसको देखा जाए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को, जो ये जो एक बॉडी है ये लुक आफ्टर करती है टेररिज्म पे और मनी लॉन्ड्रिंग पे, इन चीज़ों से लड़ने के लिए. ये एक जो है इंटरनेशनल बॉडी है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में. पेरिस फ्रांस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का हेडक्वार्टर है. इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पैनडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज वॉज इनोग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेज एंड पेंशन जितेंद्र सिंह. जितेंद्र सिंह कौन है, इन्होंने क्या किया अभी हाल ही में, जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में ये एक इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई थी. ये किस चीज़ पर है वर्कशॉप, एक इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई थी ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस इन अ पैनडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स के लिए. इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स के लिए ये एक वर्कशॉप की गई थी और इसका नाम था, इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई थी गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस इन अ पैनडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट. और ये इनोग्रेट की थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंसेज एंड पेंशन, इनका नाम है जितेंद्र सिंह ने इसको इनोग्रेट किया था. जितेंद्र सिंह की बात करें तो इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी इनके पास फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर जम्मू कश्मीर, उधमपुर जम्मू कश्मीर जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है. आज के सेशन के लिए बस इतना ही. आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा. कल हम फिर आएंगे 24th of June 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.